गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आज अपन वैदिक विधि से भरपूर सीखेंगे, जिसको डिवीजन मेथड कहते हैं। एक्सरसाइज 1.1.3 है मतलब, और यहाँ बेटा इसमें अपन वैदिक विधि से वर्गमूल वैदिक विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए जैसे अपना क्वेश्चन नंबर वन है 2116। क्वेश्चन नंबर टू भी दे रखा है किसी 42-25। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी दे रखा है, इसमें दे रखा है 68-89। इनका वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात होता है, मतलब स्क्वायर रूट ज्ञात करना है हमें इसमें। तो जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करें तो सबसे पहली बात जो है वो अपन 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग ध्यान रखेंगे। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, और 5 का वर्ग 25, और 6 का वर्ग 36, और 7 का वर्ग 49, और 8 का वर्ग 64, और 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग 100। यानी 10 तक की संख्या का हम स्क्वायर नंबर ध्यान रखेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, स्क्वायर नंबर होता है 1 नंबर इज 2 पर मल्टीप्लाई इक्वल स्क्वायर नंबर। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और 6 का वर्ग 36, और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, और 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग कितना होता है 100। मान लीजिए हम यहाँ 2116 का ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे वैदिक विधि से, तो अपन इकाई के अंक से दो दो के पेयर बनाते हैं। ये है डिवीजन मेथड। एक होता है द्वंद्व योग विधि से भाग, लेकिन अपन डिवीजन मेथड ज्ञात कर रहे हैं पहले। तो जैसे यहाँ इस जोड़े के अंदर कई बार एक संख्या भी रहती, कई बार दो संख्या भी रहती है, तो अपन देखेंगे भाई ये किस से बड़ी नहीं जानी चाहिए। जैसे 4 का वर्ग 16 है और 5 का वर्ग कितना है 25, तो हम किसका वर्ग लिखेंगे 4 का। यहाँ 4 लिखेंगे तो भाग कर भी क्या लिखेंगे 4, यानी यहाँ 4 रख दिया है, यहाँ 5 रख दिया, तो 4 कितने होते हैं 16। 4 इसमें ऐड करते हैं, 4 कितने होते हैं 8, और यहाँ हो गए 11 में 6 गए कितने बचेंगे 5, 11 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 5। ऊपर से उतारते हैं पूरा जोड़ा। उसके बाद हम यहाँ भाई इसको किस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए यहाँ 1 से करते हैं तो संख्या कम, 2 से करते हैं तो संख्या कम, 3 से करते हैं तो संख्या कम, 4 से करते हैं तो संख्या कम, 5 से कम करते हैं तो संख्या कम। तो किस से करते हैं मतलब इसको, मान लीजिए यहाँ अपन 5 से करते हैं, तो इसलिए ये नहीं यहाँ 6 से कर देंगे, यहाँ 5 से करोगे तो यहाँ भी किससे करना है आपको 5 से। तो अगर यहाँ अगर आप 5 से करते हो तो इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25 का 5 + 2 = 40, और 2 × 2 = 20, यहाँ हो जाएगा 425, जो कि इससे बहुत कम है। हम इसमें 8 वर्ग करते हैं तो 8 × 2 = 40 = 0 हासिल हो जाएगी 4, और 8 × 2 = 64 हो जाएंगे 68, ये ज़्यादा है। हम 6 वर्ग करते हैं, कितनी बार करते हैं 6 बार, अगर यहाँ 6 रखोगे तो यहाँ भी आपको कितना रखना है 6, तो यहाँ हो जाएगा 86, और 86 किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6×36 = 6 हासिल 3, और 8×48 और 3 = 516 हो जाएंगे। तो अपन इसको 6 से करते हैं, अगर यहाँ 6 लिखते हैं तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 6, और 86 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 516। ये आपके उत्तर हो जाएंगे, और भागफल में जो संख्या है ये आपका वर्गमूल है वैदिक विधि वर्गमूल। दूसरा मान लो बेटा सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है इसमें वो 42-25, तो 42-25 है, तो इसका भी अपन वही इकाई के अंक से दो दो के पेयर बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये वर्ग संख्या ओरली भी आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे आप लिखित में लेंगे तो इस प्रकार से आप इसमें करेंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो यहाँ अपन 6 लिखेंगे तो भागफल में क्या लिखते हैं 6, यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखते हैं 6, और 6×6 कितने होते हैं 36, इसमें 6 ही ऐड कर देते हैं, 6 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाता है 12, और इधर ये 12 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 6, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारते हैं,
उसके बाद इसका इकाई है पांच है, तो जिस इकाई है पांच का बात है, जब किसका वर्ग करते हैं अपन पांच का, तो यहाँ अगर पांच लिखेंगे तो यहाँ भी पांच लिख सकते, यहाँ पांच लिखोगे तो पांच पचम पच्चीस का पांच हासिल दो, पांच दो दस, दो बारह का दो हासिल एक, पांच एक पांच और एक छः, तो यहाँ आपके पास हो जाएंगे 625, तो ये आपके पास हो गए 65 इसका वर्ग। इसी प्रकार से 68 89 है, इसका भी देखिए बेटा कैसे याद करते हैं, वो ही पेयर बनाते हैं अपन दो दो, तो यहाँ 68 है तो 8 कितने होते हैं 64, 9 नाम कितने होते हैं इक्यासी, तो 9 का वर्ग तो ज़्यादा है तो किसका वर्ग लिखते हैं अपन 8 का, तो यहाँ 8 लिखेंगे तो भाग कर क्या लिखते हैं 8, तो 8 कितने होते हैं 64, 8 इसमें ऐड कर देते हैं, अगर 64 68 में से ही 64 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है 4, ऊपर से ही उठा देंगे 8 8 16 कर 16, और इधर आपके पास 9 है तो इकाई अंक इसका 9 आना चाहिए, तो हम देखो 9 का वर्ग है या तो 3 का वर्ग करें या 7 का वर्ग करें, तो 7 का वर्ग करेंगे तो ज़्यादा जाएगी संख्या, इसलिए हम किसका वर्ग करते हैं मतलब 3 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिख देते हैं 3, और 3 के कितने हो जाएंगे 9, 36 18 का 8 हासिल कितने हो जाएगी 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, इस प्रकार से हम जो आपका ये वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 83, इस प्रकार से हम मतलब संख्याओं के वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगर और बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए आपका 500 क्वेश्चन है इसी अभ्यास का, वो 500 क्वेश्चन है 125 इधर है 125 और 316, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका वो आपका है 16 97 44, 16 97 44 एक ही संख्या है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी अपन यहाँ लिखते हैं इसी पे, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपके पास है 126 56 25, 126 56 25, 126 56 25, इस प्रकार से अपन 12 65 625 ये लिख देते हैं। लेकिन भाग विधि से जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हम सबसे पहले इकाई के अंक से दो दो के पेयर बनाते हैं, इकाई के अंक से दो दो पेयर बनाते हैं, और यहाँ जोड़े के अंदर आपके पास बटस दे रखा है, जोड़े के अंदर जो दे रखा है वो 12 है एक संख्या, तो देखो 3 का वर्ग तो 9 है और 4 का वर्ग कितना है 16, तो हम किसका वर्ग लिखते हैं यहाँ 3 का, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 3, और 3 के कितना लिखेंगे यहाँ पर 9, इसमें 3 ही ऐड करते हैं, 3 और 3 कितने हो जाते हैं 6, 12 में से 9 घटाते हैं कितना आता है 3, ऊपर से पूरा जोड़ा उतार देते हैं यहाँ पर। उसके बाद बेटा यहाँ आप देखो अगर यहाँ अपन 4 से कर 1 रखेंगे कम रह गया, 2 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन अपन 5 से करते हैं लगभग 5 से करके देखते हैं, अगर यहाँ 5 लिखोगे तो भाग कर में क्या लिखना पड़ेगा अपन को 5, तो 65 हो गए, 65 को किससे गुणा करते हैं 5 से, तो 25 का 5 ऐसे 2 5 6 3 2 32 यानी 325 हो गए, कितना हो गया ये 325, और इसमें 5 ऐड करते हैं यहाँ 13 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 8, और 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 2, ऊपर से पूरा जोड़ा होता है 5 5 10 की 0 यहाँ से 1 6 1 कितना हो जाता है 7, यहाँ 6 किस संख्या से वर्ग करें अपन 4 का वर्ग 16 है और 6 का वर्ग 36 है, जब भी कई अंक पर 6 आ रहे तो मतलब 6 का करते हैं तो ज़्यादा जाएगी संख्या, इसलिए अपन किसका लिख देंगे इसमें, इसलिए अपन लिख देंगे बेटा 4 का, यहाँ 4 लिखेंगे तो भागफल में क्या लिखते हैं 4, भागफल में क्या लिखते हैं 4, तो यहाँ 4 चौक कितने होते हैं 16 और 7 चौक कितने होते हैं 28, इस प्रकार से अपन ये वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये अगला जो नंबर अपने पास है वो भी बेटा इसी प्रकार से आपका 16 97 44, इकाई के अंक से वो दो दो के पेयर बनाते हैं 1 2 और 3, तो यहाँ जोड़े के अंदर 16 है तो किस संख्या का वर्ग लिखते हैं अपन 4 का लिखते हैं, किसका लिखते हैं 4 का, किसका लिखते हैं 4 का, तो यहाँ 4 का वर्ग, यहाँ 4 है तो ऊपर भी क्या लिखेंगे 4, 4 चौक कितना लिखेंगे 16, 4 इसमें ऐड करते हैं ऊपर से पूरा जोड़ा उतारते हैं 57, 4 4 कितने हो जाते हैं 8, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ क्योंकि 1 लिखो 2 से ज़्यादा जाएगी 57 में संख्या,
तो ऊपर भी एक लिखते हैं, 81 एकम 81, 7 में से एक गया तो कितना बचेगा 6, और 9 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 1, ऊपर से पूरा जोड़ा होता होता है। यहाँ एक इसमें प्लस करते हैं, एक इसमें क्या करते हैं प्लस, और ये एक और एक जोड़ के कितने हो जाते हैं 2, और 8 का 8 हो गए। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, 4 लाना है, तो यहाँ बेटा अपन 2 का वर्ग लिखते हैं, क्योंकि 2 दो नहीं होते हैं 4, या 8 होते हैं 64, तो 8 बार करोगे ज़्यादा जाएगा, इसलिए यहाँ 2 लिख देते हैं। यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ भी 2, 2 दो नहीं 4, और 2 दो नहीं 4, और 2 दो नहीं 4, और 8 दो कितने हो जाएंगे 100। इस प्रकार से हम 2 ऐड कर देते हैं, आगे कोई संख्या ही नहीं, नहीं तो अपन आगे इसमें ऐड करके आगे चलते रहते, हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका 400। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट इसमें जैसे 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ ये एक संख्या ही अपने आप में खुद जोड़ है, इसलिए हम क्या करते हैं एक का वर्ग होता है 1, यहाँ 1 लिखेंगे तो ऊपर भी क्या लिखते हैं 1, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 1 इसमें ऐड करते हैं, 1 और 1 कितने हो जाते हैं 2, ऊपर से पूरा जोड़ उतार लेंगे कितना 26। तो यहाँ ये बेटा 1 करते हैं तो ऊपर भी एक करना पड़ेगा, अगर 2 यहाँ करोगे तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा 2, तो ज़्यादा जाएगा 44 हो जाए, 21 एकम 21, फिर 1 इसमें जोड़ देते हैं, 1 और 1 कितना हो जाता है 2, और यहाँ आपके पास कितना बचा 26 में से 21 गया कितना बचा 5, 26 में से 21 गया कितना बचा 5, ऊपर से फिर जोड़ा उतारते हैं आपका वो कितना आता है यहाँ 56 आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ, यहाँ 3 से करते हैं, यहाँ 3 से करते हैं तो ज़्यादा जाए, यहाँ किससे करेंगे अपन 2 से, ऊपर भी क्या लिख देंगे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इसमें ऐड कर देते हैं, 4 में से सॉरी 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 5 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 1, 5 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 1, 2 और 2 कितने होते हैं 4, ये 2 का 2 और 2 का 2, ऊपर से क्या उतारते हैं अपन इसमें, ऊपर से बेटा उतारेंगे अपन पूरा ये 25, अभी इकाई ऊपर आपको क्या लाना है 5, कितना लाना है यहाँ 5, इकाई के ऊपर 5 लाना है, तो यहाँ भी आप क्या लिखना है 5, ऊपर भी क्या लिखना है 5, 25 का 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 10 और 1 11, इस प्रकार से यहाँ 5 इसमें ऐड कर देते हैं, कितने आंसर आ गए 1125। ये पहले क्वेश्चन में आप लोगों के 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे के सारे 1.3 एक्सरसाइज में ऐसे केस हैं, इसलिए आप इनको करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, कॉल करके या कमेंट करके, जैसे भी कॉल करो, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 57 83 78 10 40, या तो इस पर कमेंट करें या मुझे कॉल करके बताएं, कोई समस्या हो तो पूछ लें। थैंक यू।